सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आनंद के दूसरे भेद पर मनन चिंतन करेंगे, जहाँ मरियम जो है एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 से पाठ पढ़ेंगे, पद संख्या 39 से लेकर पद संख्या 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मैं ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इसराइल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि माँ मरियम जो थी वो बहुत ही शीघ्रता से जाती है, शीघ्रता से जाती है। जैसे गर्भ धारण हुआ उनको, तुरंत शीघ्रता से वो जाती है सबसे पहले एलिजाबेथ के पास जाती है, क्योंकि एलिजाबेथ का नाम उन्होंने स्वर्गदूत के द्वारा ही सुना था और इसीलिए वो शायद कन्फर्म करने के लिए जा रही थी या उसे भेंट करने के लिए जा रही थी। और मैं समझता हूँ सबसे अधिक वो अपना आनंद उसको बतलाने जा रही थी, क्योंकि वो उसने पवित्र आत्मा का परिपूर्णता को अनुभव किया, यीशु को अपने अंदर गर्भ में धारण होते हुए एक अनुभव किया। एंड शी वांट टू शेयर दैट गुड न्यूज टू समबडी, किसी को, शायद उसको दुनिया में किसी और को बोलती तो कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए उसने कहा कि मैं सबसे पहले अपनी कुटुंबनी के पास जाऊंगी। इसलिए वो बहुत ही शीघ्रता के साथ जाती है और बहुत जल्दी में, क्योंकि शी वॉज ईगर टू शेयर हिज हर जॉय, अपना आनंद। और वो जाते ही सिर्फ उसको अभिवादन करती है, शैलोम बोलती है, शांति का अभिवादन देती है। अभिवादन के साथ ही एकदम वहाँ एक आनंद की लहर उठती, आनंद की लहर उठती है। और एलिजाबेथ भी लिखा है कि उसका बच्चा जो है उसके गर्भ में उछल जाता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। ये एक ऐसा मिलन है प्यारे भाई, ये दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, मरियम और एलिजाबेथ का मिलन नहीं है, ये मरियम के साथ उसके गर्भ में यीशु और पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया हुआ। और वो जाती है एलिजाबेथ भी अकेली नहीं है, उसके साथ उसका बच्चा यौहन बपतिस्ता उसके पेट में, यानी ये चार व्यक्तियों का एक मिलन हो रहा है और चारों व्यक्ति मिलकर के एक बहुत अच्छी एक संगति मिल रही है, एक बहुत अच्छी फेलोशिप बन गई और वो इतना आनंद से परिपूर्ण होती है। ये चीज बता रही थी, जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां पर सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है। जहां भी दो व्यक्ति प्रभु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु कहता मैं उनके बीच में होता हूं। और यहां पर प्रभु अपने वचन के द्वारा सिखा रहे हैं। और जैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होती, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद में पहला शब्द क्या निकला उनके मुंह से, आप नारियों में धन्य है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। यानी दो मनुष्यों को वो धन्य कह रही, एक तो माँ मरियम को भी धन्य कहती है और उसके गर्भ के फल को भी धन्य कहती है, यानी यीशु भी धन्य है और धन्य उसकी माँ मरियम। और आगे वो कहती है,
धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया। हम जानते हैं यीशु ने एक बार जब माँ मरियम उनसे मिलने जाती हैं, तब जो लोग हैं उनको बोलते हैं आपके भाई और आपके माँ मिलने के लिए आए हैं, तब वो कहता है मेरे माँ और मेरे भाई कौन है जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। माँ मरियम ने ईश्वर के संदेश को सुना और पूरा किया। एक और जगह ऐसे समाचार में हम पढ़ते हैं जब एक औरत बोलती है कि धन्य है वे स्तन जिनको आपने पान किया और धन्य है वह गर्भ जिसके द्वारा आप उत्पन्न हुए, तब यीशु वहां पर बोलते हैं धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। तो यहां पर माँ मरियम जो धन्य थी, ईश्वर के वचन पर विश्वास करने के कारण धन्य है। इसीलिए आज हम माँ मरियम को धन्य कह के बुलाते हैं। और जो प्रणाम मरियम की प्रार्थना है उसका जो ये दूसरा पार्ट है वो यही एलिजाबेथ के जो शब्द हैं वही हम दोहराते हैं कि आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। और एक और चीज जो हम माँ मरियम के भजन पर बोलते हैं, क्योंकि माँ मरियम भी ईश्वर की आत्मा से भरपूर थी और भरपूर होकर के वहां पर वो एक भविष्यवाणी करती हैं और एक घोषणा करती हैं कि मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। एक तो वो ईश्वर को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते सबसे पहले ईश्वर ने उनको मुक्ति दिया, उनको पापों से छुटकारा दिया और उनको निष्कलंक बनाया, गर्भ से ही निष्कलंक बनाया और वो कभी वो पाप नहीं कर पाई थी। तो माँ मरियम जो थी वो यीशु के द्वारा पहले से ही उसकी मुक्ति हुई थी, इसलिए वो अपने ईश्वर को मुक्तिदाता के रूप में यहाँ पर बोलती है और उससे आगे लिखती है अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। यहाँ एक भविष्यवाणी के रूप में माँ मरियम घोषणा करती हैं आत्मा से प्रेरित होकर कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वो मुझे धन्य कहेंगी। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आप जानते हैं माँ मरियम जो स्थान है, कलीसिया जो उसको मानती है, वो दूसरी हेवा के रूप में मानती है। जैसे पहली हेवा जो थी वो उसका नाम हेवा क्यों रखा गया था, शी विल बी कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लिविंग, जितने भी जीवित बच्चे थे उनकी वो माता कहलाई, आदि माता। और ये माँ मरियम जो थी आने वाले संतानों की, यानी जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने वाले हैं उनकी वो माता बनने वाली है, इसलिए उसको दूसरी हेवा के रूप में कलीसिया संज्ञा देती है और उसको धन्य कहती है। इसीलिए आने वाली सब पीढ़ियां, यानी जो भी ईश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे वो सब लोग मुझे धन्य कहेंगे। आज इसीलिए हम देखते हैं हर धर्म में और कितने धर्म के लोग माँ मरियम के दर्शन करने जाते हैं उनके श्राइन्स पर और उनको ये प्रार्थना करते हैं कि धन्य हैं आप और धन्य हैं आपके गर्भ का फल। प्यारे भाई और बहनों, आज हम माता मरियम के इस धन्य कहने के ऊपर हम मनन चिंतन कर रहे हैं और हम इस महत्व को समझें, हम उन्हीं पीढ़ी में से एक हैं। क्या आप और मैं उस पीढ़ी में से एक हैं जिसके बारे में माँ मरियम ने कहा था कि वो सारी पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी? आइए हम सब मिलकर माँ मरियम को धन्य कहें और एक बार प्रणाम मरियम की प्रार्थना बोले। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।